आसमान से गिरने वाले विशालकाय धातु की बॉल से लेकर हैंड स्टैंड कर लेने वाले खरगोश जैसी हाल ही में की गई टॉप 10 अजीब और आश्चर्यजनक खोजों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। नंबर 10, टेरिफाइंग स्कल। डायनासोर की कुछ प्रजातियां तो इतनी विशालकाय वाली होती हैं कि असल जीवन में उनकी तस्वीर ले पाना भी संभव नहीं होता। अर्जेंटीना में डायनासोर की एक नई खोजी गई प्रजाति बाकियों की तुलना में और अधिक भयानक है। वैज्ञानिक खोजों की नई पब्लिश की गई डिटेल्स में ये बात दर्ज की गई कि ल्यूकलकन एलियोक्रेनियनस, जिसका मतलब होता है वो जो खौफ का कारण हो, उसके संरक्षित स्कल जो कि जिला मॉन्स्टर और इग्वानस जैसे आजकल पाए जाने वाले रेप्टाइल्स की तरह ही हैं, बस ये आकार में हैं। इस सिर के इस ढांचे से पता चलता है कि इस जीव के दांत नुकीले और पंजे बहुत बड़े आकार के थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इनकी सूंघने की क्षमता भी बहुत अच्छी रही होगी। ल्यूकलकन एलियोक्रेनियनस डायनासोरों की एबेलिसॉरिड नाम की प्रजाति का हिस्सा है, जो गोंडवाना क्षेत्र के प्राचीन महाद्वीपों में पाए जाते थे, जो कि अब साउथ अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया का भाग है। इनकी लंबाई 15 से 20 फीट के करीब थी। नंबर 9, मेटल बॉल्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। 2018 में दुनिया भर के लोग तब चकरा गए जब विशाल धातु की बॉल्स का आसमान से गिरना शुरू हुआ। केवल कुछ हफ्तों के अंतराल में धातु की एक वस्तु जिसके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, ब्रिटेन, रूस और पेरू के कुछ हिस्सों में आकाश से जमीन पर आ गिरी और आसपास के लोगों को भयभीत कर दिया। पेरू देश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जब लोग आग के गोले जैसी आकृति की 115 मील दूर के शहर की तस्वीरें तेजी से शेयर कर रहे थे, उस समय वहां पर यह हादसा हुआ। हर कोई इसके बारे में यह जानना चाहता था। ब्राजील के रोमुलो बैरस नाम के एक फायर चीफ ने कहा कि ये एक मेटियोराइट हो सकता है। बाद में पेरू एयरफोर्स ने इसकी तुलना रूस के रॉकेट और 3 मेटल बॉल्स को सैटेलाइट का फ्यूल टैंक बताया। बाद में वैज्ञानिकों ने 40 किलोग्राम के वजन वाली इन बॉल्स को कजाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए रॉकेट का हिस्सा माना। नंबर 8, शार्क हेड। दक्षिण पश्चिमी ओहियो में मायामी नदी के किनारे चलते हुए एक दंपत्ति को समुद्र के किनारे समुद्र से सैकड़ों मील दूर नदी किनारे उन्हें एक शार्क का सिर मिला। उनकी यह खोज काफी भयानक थी। दंपत्ति ने शार्क हेड की तस्वीरें खींच ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। प्रमुख प्रश्न यही था कि ये है क्या। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह फेक भी हो सकता है, लेकिन पति पत्नी का कहना था कि उससे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। कुछ लोगों ने इसे बुल शार्क का सिर बताया। प्राकृतिक संसाधनों के ओहियो विभाग के वन्य जीवन के अधिकारियों ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने साइट पर शार्क के सिर को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी इस तरह की स्थिति देखी है कि लोग समुद्र में मछली पकड़ने के दौरे के बाद शार्क के हिस्सों को नदी किनारे छोड़ देते हैं। एक महिला ने भ्रम की स्थिति को साफ कर दिया जब उसने कहा कि सिर एक फिन शार्क का है, जो उसने $11 में एक स्थानीय मछली बाजार में खरीदा था और उस सिर को मछलियों के खाने के लिए नदी में डाल दिया था और चिंतित निवासियों को आश्वस्त करने की उम्मीद में अपनी शॉपिंग कार्ट में शार्क के सिर की एक तस्वीर पोस्ट की। नंबर 7, एन अनवेलकम हाउस गेस्ट। जब थॉमस लेविलियन नाम के 56 वर्षीय आदमी ने हाल ही में अपनी आर्थिक स्थिति को बिगड़ा हुआ पाया, तो उसने किसी और के घर के तहखाने में घुसने का ऑप्शन बेहतर समझा। वो लॉटनवुड के पास एक घर में घुस गया, जहां उसने खुद को सहज बना लिया और घर के भोजन में रखे भोजन से अपना काम चलाने लगा। इस तरह घर में छुपे रहते हुए 2 दिनों तक काफी आराम किया। घर में रहने वाले दंपत्ति को तब शक हुआ जब उन्होंने छिपे हुए व्यक्ति के रहने वाली जगह से अजीब आवाजें सुनाई दी। खुद पता लगाने के बजाय उन्होंने पुलिस को बुलाना सुरक्षित समझा। पुलिस के पूछने पर उसने बताया कि उसके पास यहाँ रहने की परमिशन है। उसके पास खाने को नहीं था और इस घर के भोजन से उसकी जिंदगी बची हुई है, परंतु घर के मालिक ने इस बात से इनकार कर दिया। थॉमस पर मुजरिम होने का मुकदमा अभी भी चल रहा है। नंबर 6, स्मगल्ड टॉर्टोइसेस। दुर्लभ और विदेशी जानवरों का ब्लैक मार्केट में काफी ऊंचा दाम मिलता है। जानवरों के गैर कानूनी व्यापार में कुछ लोग विलुप्त होती स्पीशीज को संरक्षित करने के बजाय धन लाभ कमाने को अधिक प्राथमिकता देते हैं, लेकिन ऐसा करके वो विलुप्त होती स्पीशीज खतरे में डाल देते हैं। निक्सन एलेक्जेंड्रो नाम के पुलिस ऑफिसर का केस भी कुछ ऐसा ही है, जिन्हें हाल ही में गैलपागोस द्वीप के सेमोर एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारियों ने उनके सूटकेस से 185 कछुए के बच्चे बरामद किए, जबकि गैलपागोस द्वीप पर कछुओं की स्मगलिंग गैर कानूनी है। 3 महीने से भी कम उम्र के सभी कछुओं को अलग अलग प्लास्टिक में रैप करके रखा गया था।
जिनमें 10 की मौत हो चुकी थी। निक्सन को हिरासत में लिया गया और उन पर जंगली फ्लोरा और फौना को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा चलाया गया और उसे 3 साल की सजा दी गई। आपको क्या लगता है, 3 सालों की सजा काफी है? अपने विचार हमसे साझा कीजिए। नंबर 5, एंशियंट अफ्रीकन कॉइन इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पाया गया एक सिक्का शायद दोबारा इतिहास लिखने के लिए काफी होगा। पुरातत्वविद माइक होम्स ने कॉपर का एक छोटा सिक्का ऑस्ट्रेलिया के वेसल द्वीप पर खोजा, जिसे अफ्रीका में सैकड़ों वर्षों पहले प्रयोग होने वाले किल्वा कॉइन माना जा रहा है। सिक्का काफी हद तक क्षीण हो चुका है, लेकिन इसके वजन, आकार और बाकी बचे हुए चिन्हों में से होम्स की थ्योरी सही जान पड़ती है। उनका कहना था सिक्का 10,000 किलोमीटर दूर तंजानिया से आया है। 1945 में ऑस्ट्रेलिया में कई किल्वा कॉइन मिले थे, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला सबसे पुराना सिक्का माना जा रहा था, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि वो इंडिजीनियस है। ऐसा भी माना जा रहा है कि अफ्रीका को लूटने के बाद 1505 में पुर्तगाली ये सिक्के ऑस्ट्रेलिया लाए थे, या फिर ये सिक्के इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियंस की निशानी है। ये सिक्के यहाँ कैसे आए, इसके बारे में कई कयास लगाए जा रहे हैं, पर अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है। नंबर 4, हैंड स्टैंड रैबिट्स। लगभग एक सदी तक फ्रांस में खरगोशों की एक प्रजाति 4 में से 2 पैरों के बल चलती थी। 1935 में ये अजीब बर्ताव जब पेरिस में एक पालतू खरगोश में देखा गया, तब से ही वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति के स्पेसिमेंस रखकर उन पर रिसर्च शुरू कर दी थी। अल्फोर्ड जंपर नाम की प्रजाति के ये खरगोश जब धीरे चलते हैं तो अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करते हैं, पर जब ये तेज भागना चाहते हैं तो ये सिर्फ आगे के 2 पैरों का इस्तेमाल करके दौड़ लगाते हैं। ये भिन्नता उनमें मोतियाबिंद विकसित करने और अंधे होने की संभावना पैदा करती है। इस कारण अल्फोर्ड जंपर जंगलों में सर्वाइव नहीं कर पाता है। हाल ही में की गई एक स्टडी से पता चला है कि इनके इस अनयूजुअल मूवमेंट की वजह जेनेटिक म्यूटेशन है, और इस हैंडस्टैंड स्टाइल में चलना उनके लिए ना तो हानिकारक है और ना ही इसमें उन्हें किसी प्रकार का दर्द होता है। नंबर 3, अ सीक्रेट रूम। समांथा नाम की एक महिला ने नोटिस किया कि न्यूयॉर्क शहर में स्थित उनके अपार्टमेंट के बाथरूम के शीशे की दिशा से ठंडी हवा आती है। इस हवा के आने की वजह की जिज्ञासा में उन्होंने अपने बाथरूम में खोजबीन शुरू की। हवा डोर फ्रेम से भी आती थी, लेकिन शीशे से आने वाली हवा की स्पीड चौंका देने वाली थी, इसलिए उसने मिरर को हटाकर देखा और पाया कि वहां पर उसका शरीर फिट हो जाए इतना बड़ा एक होल है। समांथा ने इस होल से होकर इसके पीछे बने कमरे में जाकर देखा तो वहां पर खाली पानी की बोतलें, इंसानी जरूरत का सामान पड़ा हुआ था, पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। लेकिन वहां पड़े सामान से ये साफ था कि कुछ समय पहले वहां पर कोई तो था, लेकिन कौन, और ये सीक्रेट रूम इस तरह बाथरूम के पीछे क्यों बनाया गया था, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। उसने इस रोचक घटना पर 4 पार्ट वाली एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी बनाई, जिसे 10 मिलियन से भी अधिक व्यूज मिले। नंबर 2, ग्लोइंग ड्रेन। एक होटल में रुकी हुई एक महिला ने अपने कमरे के बाथरूम में रखे बाथटब के ड्रेन होल से चमकती हुई रोशनी निकलती देखी। ये जानने की कोशिश में कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसने इसकी तस्वीरें खींचकर थिंग्स फाउंड इन वॉल्स एंड अदर हिडन थिंग्स नाम के एक फेसबुक ग्रुप पर डाल दी। कुछ ने हास्यास्पद तरीके से लिया। एक यूजर ने कॉमेंट किया कि इट्स क्लियरली अ पोर्टल टू हेल, लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशन सच में जायज थे। एक यूजर ने बताया, किसी ने कहा कि ज्यादातर होटलों में उन कमरों के बीच में एक चेज होता है जहां तमाम मशीनी परेशानियां सामने आती हैं, इसलिए उन्हें बनाए रखा जा सकता है। इसलिए अगर टब में प्लास्टिक है और मुख्य व्यक्ति ने लाइट ऑन छोड़ दी तो आप लाइट को देख पाएंगे। नंबर 1, मिस्टीरियस बॉल्ड ईगल डेथ्स। 90 के दशक में सबसे बड़ी संख्या में गंजे ईगल आर्कनसास में डीग्रे झील के पास मृत होने लगे। उन्हें क्या हो रहा था, ये कोई भी समझ नहीं पा रहा था। 9 राज्यों की झीलों में फैली हुई बीमारी विकट स्थिति पैदा कर रही थी। वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि पक्षी एक न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारी से पीड़ित थे, जिसे वैक्यूलर मायोलोपैथी कहा जाता है। भयावह स्थिति मस्तिष्क पर हमला करती है और उसके फंक्शन को प्रभावित करती है, जिससे एक भीषण मौत हो जाती है। इस बीमारी के शिकार ईगल पैरालाइज भी हो सकते हैं। ये बीमारी उन्हें बेहद कमजोर बना देती है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसका कारण पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन इस पर रिसर्च जारी है। तो दोस्तों, क्या आप भी इन खोजों के बारे में सुनकर चकरा गए हैं? तो ऐसी ही रोचक जानकारी पाने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।